الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی بابا دے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلی علی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ معزز سامعین گرامی علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے باذوق سامعین آج پیر محل میں یہ میرا پہلا خطاب ہے بہت عرصے سے احباب کی فرمائش تھی کہ میں یہاں کچھ بیان کروں لیکن کلو امر مرہون بے اوقاتہا ہر کام کے لیے ایک وقت اللہ نے مقرر کیا ہے کئی دفعہ ارادہ کیا لیکن وہ ارادہ پورا نہیں ہو سکا کیونکہ ارادوں کو مکمل کرنے والی ذات وہ ہے وہ جب چاہتی ہے تو ارادہ تکمیل پذیر ہوتا ہے آپ نے دور جانا بھی ہے دور سے بہت حضرات بہت سے تشریف لائے ہیں یہاں مقامی حضرات کے لیے اپنے گھروں میں پہنچنا تو آسان ہے لیکن جو دور سے آئے ہیں نام سن کر کہ میں یہاں آ جا رہا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے مجھ پر فضل ہے اس کا کہ وہ اپنے بندوں کو میری آواز پر پہنچا دیتا ہے ایک یہ ہے کہ میری آواز بندوں تک پہنچاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ میری آواز پر بندے پہنچا دیتا ہے یہ دونوں بلکہ فضل کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کس انداز سے وہ فضل فرماتا ہے جس طرح ہے نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ کہ وہ انسان کو ان طریقوں سے رزق دیتا ہے کہ جس کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے اس طریقے سے بھی رزق ملے گا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب فضل فرماتا ہے کسی پر اپنے کسی بندے پر اور فضل کے لیے یاد رکھیں کہ نیک اور پاک اور پاکیزہ ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نیک پاکوں پر ہی فضل کرتا ہے وہ جس پر فضل کرے یختصو برحمتہ من یشاء قرآن میں آتا ہے کہ وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے کہ میں اس پر اپنا فضل کروں گا اپنی رحمت کروں گا
ये मुख्तस है मेरी रहमत के लिए, तो उसमें अच्छाई बुराई का लिहाज नहीं होता, क्योंकि वो खुद गफूर रहीम है। वो किसी की खूबियां देखकर फजल नहीं करता, बल्कि फजल जो होता है वो गुनाहगारों पर ज्यादा होता है। किसी शायर ने कहा था, नू नारवी का एक शेर मुझे याद आ गया, दाग के शागिर्द थे, वो कहते हैं कि होगी रहमत गुनाहगारों पर, होगी रहमत गुनाहगारों पर, कौन पूछेगा बेगुनाहों को। कि रहमत तो गुनाहगारों पर होती है जो रहमत के मुस्तहिक हैं। और हाफिज शिराजी कहते हैं कि मुस्तहिक करामत गुनाहगारान, ऐसा है तू अपने जोद और तकवा पर इतना भरोसा न कर, इसलिए कि कल कयामत के दिन मुस्तहिक करामत नवाजिश और मेहरबानी की जो मुस्तहिक तबका है वो तो गुनाहगार लोग हैं, क्योंकि जिसको जिस चीज की जरूरत हो वो चीज उसको अता की जाती है। तो रहमत चाहती है गुनाहगारों को कि कोई गुनाहगार मेरे सामने आए तो मैं उस पर इजहार रहमत करूं। इसीलिए रहमत ये चाहती है कि अपनी जुबान से कह दे गुनाहगार की तकसीर हो गई। रहमत का मिजाज ये है कि वो ये चाहती है कि कोई गुनाहगार अपना एतराफ़े कसूर कर ले कि मैं गुनाहगार हूँ, तू गफूर रहीम है, मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं कलीलुल आमाल हूँ, कसीरुल मासी हूँ, तू मुझ पर फजल कर। तो अल्लाह ताला उसको बख्श देता है, मेहरबानी फरमाता है। बाद लोग ये कहते हैं कि यानी अल्लाह ताला अमल पर छोड़ेगा, ठीक है, अमल का बड़ा कल भी मैं समुद्री में आमाल सालिया की कुरान के हवाले से बड़ा जिक्र किया, लेकिन एक खास तबका है जो कुरान के ज़ाहिरी अल्फाज के मानी पर ज्यादा जोर देता है और उसके दूसरे पहलू को नहीं देखता। वो ये कहते हैं कि सिर्फ तुम अल्लाह की रहमत पर भरोसा न रखो, वो जो शख्स करेगा वो वहां जाकर भरेगा। क्या मतलब, वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, जो जर्रे के बराबर नेकी करेगा वो कयामत के दिन वो देखेगा उसका, उसका बदला अच्छाई में उसको मिलेगा, और जो बुरा अमल करेगा वो बुराई की सूरत में सजा उसको मिलेगी। ये हमारा ईमान है, ये भी कुरान मजीद है। लेकिन उन लोगों से मैं ये कहता हूँ कि ये भी अगर ये अगर कुरान है तो ये कुरान है, ये भी कुरान है। जिसको चाहे माफ करे, जिसको चाहे अजाब दे। इस मन के उमूम में अल्लाह ने तख़सीस नहीं की कि जिसको अजाब देगा तो वो कोई वाकई गुनाहगार भी होगा। मैयशा जिसको चाहे, अगर एक जाहिद है, आबिद है, नमाजी है, परहेजगार है, बज़ाहिर उसके अमाल अच्छे हैं लेकिन उसके जहन में अपनी जो बुजुर्गी है, अपने तकवा है, उस पर घमंड आ गया, मगरूर हो गया, उजब आ गया, किबर आ गया, बड़ाई आ गई, या रिया से वो काम करता रहा तो उसके सारे अमाल अकारत जाएंगे, उसके जहर को नहीं देखा जाएगा बल्कि उसकी नीयत को देखा जाएगा। अल्लाह ताला के हाँ नीयत पर फैसला होता है, तो उसको वो अजाब दे सकता है। वो यक्फिर लिमन यशा, जिसको गुनाहगार को भी चाहे जो जहन्नम के काबिल हो, शिर्क मुशरिक ना हो, वो ये शर्त है, मुशरिक ना हो, लेकिन अगर वो गुनाहगार भी है तो लिमन यशा, जिसको चाहे वो माफ। इसलिए ये हर चीज, हर कुल्ली इक्तदार, फुल कंट्रोल इस पूरी कायनात पर उस मालिक का है जिसने इस कायनात को पैदा फरमाया।
ठीक है। तो अल्लाह ने इस कलाम में जो कमली वाले आका पर नाज़िल हुआ ये कुरान मजीद, इसमें जिन खास बंदों का जिक्र किया, एक है आम बंदे। ये लोग कहते हैं ना जनाब कि लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है, दरगाहों में भी आजकल जाएं तो खुसूसी सलूक किया जाता है, बाद लोगों को गोश्त दिया जाता है, बाद लोगों को दाल खिलाई जाती है, बाद लोगों को पंखे पंखे वाले कमरे दिए जाते हैं, बाद लोगों को इस तरह के हर लोग जायरीन आने वाले लोग जो हैं, तरह तरह के मुखालिफीन भी बातें करते हैं कि अमीरों के साथ और सलूक होता है और गरीबों के साथ और सलूक होता है, अवाम के साथ और सलूक होता है, खवास के साथ और होता है। तो मैं सिलसिले में अर्ज करूं, हुजूर ने इरशाद फरमाया, नहनु माशरुल अंबिया, हम नबियों का तबका है, उमरना अन नुनज्जिल الناس على منازلهم, हमें अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया कि हम लोगों की हैसियत के मुताबिक उनसे सलूक करें। ये हदीस हुजूर की, याद रखें ये तो हदीस है, इसमें कोई इतराज कर सकता है कि ये किस दर्जे की हदीस है, लेकिन कुरान मैं पढ़ रहा हूँ। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया, व इबादुर रहमान, इबादुर रहमान, क्या रहमान के बंदे आप मैं, क्या हम रहमान के बंदे नहीं हैं? बोले हैं, हम भी उसी के बंदे हैं, वो रहमान है, रहीम है, हम उसके बंदे हैं। लेकिन अल्लाह आपको और मुझे मुखातब होकर नहीं फरमा रहा कि हम इसमें शामिल हैं, नहीं, उनकी अलामात बताई हैं आयात में कि जो इन सिफात के मालिक होंगे वो इबादुर रहमान हैं, समझे, और जो इन सिफात के मालिक नहीं होंगे, वो बंदे तो हैं मेरे, वो मुझे कहते रहे कि हम तेरे बंदे हैं, लेकिन मैं जिसे एक मर्तबा कह दूं कि तू मेरा बंदा है, उसका मकाम और है। सारा दिन तस्बीह आप चलाते रहे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, शाम को अल्लाह कहे जरा अपने गरेबान में झांक के तूने मेरी बंदगी के जो तकाजे हैं वो पूरे किए, कि तू मुझे अपना बंदा कह रहा है कि मैं तेरा बंदा हूं, और मुझे आका कह रहा है, मालिक कह रहा है, नहीं, मैं तेरी बंदगी तस्लीम नहीं करता, पैदा मैंने किया तुझे, लेकिन तू मेरा बंदा नहीं है, तू खिलाफत फिल अर्ज का वो मुस्तहिक नहीं है जो खिलाफत मैंने इंसान को अता की थी, तूने मेरे तकाजे पूरे नहीं किए बंदगी के। और अगर शाम के वक्त अल्लाह एक मर्तबा फरमा दे कि तू मेरा बंदा है, सारा दिन बंदा ये कहता रहे कि मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरा बंदा हूं, वो शाम को रद्द कर दे, उससे ये बेहतर है ना कि शाम को वो एक मर्तबा कह दे कि तू मेरा बंदा है, मोर लग गई, सनद मिल गई। तो ये लोग जो हैं, इनको भी अल्लाह ने अवाम से मखसूस किया, आम लोग इसमें शामिल नहीं है, तो अल्लाह भी मखसूस कर रहा है। अब अवाम ये कहेंगे जनाब कि हमें अल्लाह ने अपना बंदा क्यों नहीं कहा, अल्लाह ने माज़ अल्लाह ना इंसाफी की है, ये और तबके के लोगों को, खास खास लोगों को अपना बंदा कह दिया और हमें अपना बंदा नहीं दिया, ये एजाज हमें नहीं दिया, अल्लाह ने मना तो नहीं फरमाया, तुम ये सिफात अपनाओ और आओ इबादुर रहमान बन जाओ, इस सब में शामिल हो जाओ, लेकिन तुम ये समझो कि तुम और जो अच्छे लोग हैं उसके मकबूल हैं, उसके महबूब हैं, उसके मुत्तबीन हैं, उनके साथ तुम बगैर किसी अमल के उस दर्जे तक पहुंच जाओ, तो ये बहुत मुश्किल है। इसी तरह दुनिया में भी इंसान सलूक जो करता है लोगों से, तो हुजूर के इस इरशाद जो मैंने अर्ज किया है कि अला मनाज़िलहिम उमरना अन नुनज़्ज़िल الناس على منازلهم, के लोगों को वो उनके दर्जे के मुताबिक उनसे सलूक करें,
ठीक है ना। तो एक इंसानियत का सलूक है जो बुनियादी तकाजे हैं इंसानियत के, उसमें तो इंसान के साथ सलूक बराबर किया जाएगा। जिस तरह हम नमाज में खड़े होते हैं, या कनाबदो या कस्ताईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो ये जो इबादत का तरीका है वो एक वहदत का एक अंदाज है कि सब उसके बंदे हैं, है जी। उसमें कोई ना अयाज है ना कोई महमूद है, बल्कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। तो ये एक उमूमी, उसमें भी जो नमाज पढ़ते हैं लोग अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, नमाज अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का नाम है, मखसूस अंदाज में हाजिरी का नाम है। तो उसमें जो लोग हाजिर होते हैं, अगर के सफों में सारे बराबर खड़े होते हैं, ये मैं तवज्जो तलब जो नुक्ता पेश कर रहा हूं, तो एक सफ में किसी के लिए बंदिश नहीं है, कोई गरीब आदमी आगे नहीं खड़ा हो सकता, कोई चेयरमैन साहब भी खड़े होंगे, या बादशाह वक्त खड़ा होगा, या वजीर आजम खड़ा होगा, या कुबीर साहब भी खड़े हो सकते हैं। जो शख्स पहले आकर बैठ जाए वो उस जगह वो मुस्तहिक है, वहां वो नमाज पढ़ेगा, उसको कोई नहीं उठा सकता। ये मुसावात इस्लामी है, ठीक है। उसमें हर तरह के लोग खड़े हैं, दुकानदार भी खड़े हैं, दुनियादार भी खड़े हैं, मुत्तकी भी खड़े हैं, उमरा भी खड़े हैं, बुजरा भी खड़े हैं, उलमा भी खड़े हैं पहली साफ में। लेकिन आप क्या ये कह सकते हैं कि सबकी नमाज बराबर है? बोले मेरी तरफ देखें, अगर कुछ सुनने के लिए आए हैं तो मेरी तरफ देखें और हमतन मुतवज्जे हो। ये आप कह सकते हैं कि इन सब की पहली सब वालों की नमाज बराबर है? उठना बैठना कयाम कुउद रुकू सजदा अत्तहियात सब की बराबर नजर आएगी, कोई फर्क नहीं है। अगर कोई वक्त का गौस है तो वो भी एक जो बड़ा गया गुजरा आदमी है, बदचलन आदमी है, लेकिन वो नमाज पढ़ने आया तो वक्त के गौस के साथ भी वो खड़ा है, तो उसको कोई उठा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। गौस पाक भी अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो एक उचक्का आदमी आ गया, खड़ा हो गया साथ, तो गौस पाक के साथ खड़ा है, मोइनुद्दीन अजमेरी के साथ खड़ा है, हटा कोई नहीं सकता। लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि दोनों उठते बैठते तो बराबर है, नजर आते तो एक जैसे हैं कि ये भी कयाम कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, वो भी इसी तरह कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के हाँ कितना फर्क है नमाजों में, दोनों की नमाजों में कितना फर्क है, ठीक है ना? ठीक है, आवाज आ रही है? तो कितना फर्क है नमाज में। नमाज सिर्फ उत्ते तले होने का नाम नहीं, साड़ी पंजाबी समझ दो कि नहीं, पंजाबी तुसी अक्सरियत पंजाबी है, उत्ते तले होने का नाम नहीं, नीयत का नाम है कि किस नीयत नाल तू खलोता है अल्लाह की बारगाह। बज़ाहिर बड़े बड़े कई है सदर नाल ते वजीर आजम नाल अगर ना कई दफा नमाज पढ़नी पै जावे ना इस तबके हैं, तो फिर इन नाल जिहड़े अमला थले होने सारा हुकूमत दे अराकीन जिहड़े वड्डे वड्डे ते जितने अफसर होने इन्हां नूं भी नमाज पढ़नी पैंदी, क्योंकि वो फिर वजीर आजम साहब की नमाज होती है, वो फिर सदर साहब की नमाज होती है, अल्लाह की नमाज नहीं होती। अल्लाह की नमाज वो होती है जो तुसा विचों गरीब तबका, गरीब तो गरीब तबका अल्लाह नूं अल्लाह समझ के अपना माबूद हकीकी समझ के बगैर किसी दे आखण दे माज अल्लाह का हुक्म ते रसूल का हुक्म समझ के घर विच जिहड़े या मस्जिदां विच नमाज अदा करदे हो, ये तुहाडी नमाज अल्लाह की बारगाह विच कबूल है। समझ आई? तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे इबाद जो
जिहड़े जमीन उत्ते चलदे ने बड़ी फरोतनी नाल इनकसार दे नाल आजजी दे नाल समझ आई अलल अर्द हौनन इस्तकबार नहीं होता उनमें अकल नहीं होती बल्कि वो जमीन पे आजजी के साथ चलते हैं आजजी का बड़ा मकाम है आजजी का बड़ा मकाम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन तवाज़ा अल्लाह रफ़ाहु अल्लाह कि जिस अल्लाह वास्ते किसी के सामने किसी नाल तवाज़ो पेश कीती इंतजार पेश कीता अल्लाह उसका मकाम बुलंद फरमांदा है अल्लाह वास्ते रियाकारी वास्ते नहीं दिखावे वास्ते नहीं ते इंकसार क्या है एक मुझे शेर याद आ गया एक फारसी हमारे उस्ताद बहुत बड़े उस्ताद गुजरे हैं ये फारसी अदब जो है इसमें बड़े बड़े शाहकार हैं ऐसे ऐसे नुक्ते उन्होंने बयान किए आज ये जबान ही कोई नहीं जानता इसकी अहमियत किसी को क्या पता वो कहता है कि फरोतनीस्त दलीले रसी दगान कमाल फरोतनीस्त दलीले रसी दगान कमाल के चुन सवार बमंजिल रसद प्याद शवद आजी दलील है कि एक बंदा किसी मंजिल पर पहुंचे है किसी दे वे आज भी देखो ए समझ लो कि किसी मकाम दा किसी मंजिल पर पहुंचे है अपने ताज की कर रहे हैं एक उन्हीं सियासी आज भी दिखलावे वास्ते आज भी अंदर आकड़ होती है ओ तकबर होता है उत्तू मुनाफकत ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੀ ਤਕਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਨਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਔਰ ਮਸਲਿਅਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਜੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਆਜੀ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕੋਈ ਹੂੰ ਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੋਲੋ ਇੰਜ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ स्टेज वाले एवं चढ़ के उत्ते बैठे तुसी भी कुछ बोलो अपने होने का सबूत दो आख्या के एक कमाल ते जिहड़ी मंजिल ते पहुंचे होंदे ने उन्हां दी दलील होंदी है कि उस विच आजजी होंदी है या तुसी मेरे दर वेखो मैं तकरीर बंद कर देवांगा अदर मेरे दर वेखो बड़े अफसोस की गल है कि सुनिया हले तक सुनने की समझ नहीं आई कि सुनने के आदाब नारे तकबीर नारे रिसाला अल्लाह तो मेरी दुआ वे कि अगर मैनू अल्लाह शहनशाह खिताबत बनावे तो तुहानू शहनशाह समात भी बनावे सुनने का शहनशाह इको ज्यादा है यकीन जरा सेट करो आवाज सेट कर डब्बे भी कोड़े जे आंदे ने एवें कि एडी वड्डी मजलिस ते शोदे जे डब्बे रखे ने अगे हद कर ले गया ते अल्लाह अपनी को फजल ला ली आवाज पहुंचा रहा है डब्बे ते ना रहे हो सुभान अल्लाह माशाल्लाह समझ आ गई ना राती समुद्री जड़ा खिताब होया
ایک لکھ تو اتے بندہ زیادہ سی بلا شبہ اور اخیر تک انہاں بھی اخیر کر دیتی انتظام دے بندے بھی روڈ دے کوئی ٹائی تین فرلان مخلوق بیٹھی سی تو انہاں ٹی وی لائن تے ٹی وی نال عورتاں دا الگ انتظام سی اور مردان دا الگ ٹی وی لا کے تے کوئی بندہ ویکھے تو انہاں اے نہیں کہ چہرہ نظر نہیں آ رہا انہاں بڑا خرچہ کیتا ہے انہاں چرچا بھی کوئی نہیں کیتا تے خرچہ بھی کوئی نہیں کیتا تے سکا پیر صاحب گولڈا شریف آ گئے جناب اے تے لوگاں دی محبت ہے ہی کہ اللہ نے میرا نام سنوایا تے انہاں نوں بھیج دتا اے تہاڈے والی گل کوئی نہیں سبحان اللہ بے شک بے شک یہ تو مالک نے آپ فضل کیتا ہے کہ اے اللہ دا فضل ہے اے لوگ میں راتی کہہ رہے ہیں کہ لوگ رکھ رہے ہیں جناب آج کل کے اے جی ٹکٹ رکھو عمرے دے پر اس لالچ لوگ کٹھے ہو جانے ہیں خطیب نو سندا ہی کوئی نہیں کیونکہ خطیباں دے طریقے اور ہو گئے اندر کو گل نہ رہی اکثر جڑے بس پروفیشنل لوگ ہوندے ہیں تے میں پروفیشنل نہیں ہوں میں اپنے ذوق نال بولنے والا اپنی طبیعت نال بولنے والا سمجھ آئی ہاں اللہ واسطے بولنے ہاں کوئی پسند کرے یا نہ کرے ٹھیک ہے نا تے اس واسطے اللہ چار بندے بھی بھیج دیندا ہے تے انہاں انتظام کیتا سی کہ میں کہا تسی اتنا اہتمام کیوں کیتا ہے اے دو چار ٹکٹ عمرے واسطے تسی میرا نام لا دیندے تے پھر دیکھو اللہ بندے کنج بھیجدا ہے ایسی گل نہیں اللہ نے فضل ہے کہ لوگ اے سمجھ دیں کہ نصیر الدین جڑی گل کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل ہوتی ہے اللہ رسول دا کوئی دلائل ہوتے ہیں براہین ہوتے ہیں ہاتھ ہوتا ہے سمجھ آئی نا ایسی گل نہیں اتنے دور ہے تک ان مخلوق کس طرح پھیلتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ بھیج رہے ہیں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انہاں آکھیا کہ چون سوار بمنزل رسد پیادہ شود سوار پہلے کوڑے تے بیٹھا ہوندا ہے تے بڑا شان مال بیٹھا ہوندا ہے اونچا بیٹھا ہوندا ہے تے جس ویلے او منزل تے نہ پہنچنے دی دلیل ہے اس دی سواری کہ ہلے منزل تے نہیں پہنچا تائیوں تے سوار ہے نا سبحان اللہ جڑے کھبے طرف لوگ حضرات کھلتے ہیں چلو اگر بندے نہیں ہو تو ذرا اگے ہو جاؤ تو میں تانوں دیکھاں اگے ہو جاؤ ذرا اگے ہو جاؤ کہ تسی میری گل سمجھ رہے ہو تے معذور ہو رہے ہو ہے جی کہ چون سوار بمن کہ سوار جب تک بندہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ منزل تک نہیں پہنچا رستے میں ہے اسی لیے سوار ہے سواری پیدل چلنے کے مقابلے میں اس میں اکڑ ہوتی ہے بڑائی ہوتی ہے شان ہوتی ہے پیدل چلنے میں عاجزی ہے سواری کے مقابلے میں کیونکہ انسان کے اپنے پاؤں زمین پر لگتے ہیں مٹی کے ساتھ آشنا ہو کر چلتا ہے تے سوار ہوئے تے کوڑے یا سواری دے پیر زمین تے لگ رہے ہوں دے مٹی تے سوار دے نہیں لگ دے وہ آج اس ویلے ہوتا ہے جس ویلے کوڑے تو لے جاتا ہے تے وہ دلیل جس ویلے کوڑے تے لے وے تے سوار کوڑے تو اس ویلے لے دے جس ویلے اپنی ڈیڈی چ پہنچ جاوے سامنے آ جاوے منزل اس تے سامنے آ جاوے تان لے دے تے شاعر نے کہ گل کڈی اس وچوں کہ جڑے لوگ عاجزی کرتے ہیں وہ دلیل ہے کہ وہ اللہ دی ذات و صفات دی کسی منزل تے پہنچ گئے تاں عاجزی شروع کیتی ہے تے دنیا دار جڑے آکڑ خان تے بڑے متکبر تے مال تے دولت تے اپنے اقتدار اور اس تے مختلف چیزاں تے آکڑ کے بیٹھے ہیں وہ رستے وچن بولے منزل تے نہیں پہنچے گفتگو بے دل دلیلے حرز تازیہ ماس میں تین گھنٹے کال بولیا پرسوں بھی بولیا میرا آواز جڑا تھکے ہے ذرا جس طرح بھی ہے قبول کرو
گفتگو بے دل دلیل حرزہ تازی ہائے ماس اے اسانی جڑیاں گلاں باتاں نا اے جیسی کسی چور چور لائی رکھنے کو اتر لگے کو اتر لگے گلاں آپس ہی لگے ہیں مرزا بیدل فرمانا کہ اے اسانے بے ہودہ ہونے ہی دلیل ہے اسے اسامج بے ہودگی ہے مطانت نہیں گلہ کرنے پہ ہیں گلہ کر کے گلہ مار مار کے تھکنے ہی نہیں کدے اے دعوے کدے او دعوے کیا دلیل ہے دعا بسرہ سنزو دے مزتاں آسی گفتگو بے دل دلیلے حرزہ تازیہ ماس تاجرس فریاد دارد کاروان آسودنیس اے اٹھ دینار کلیاں بدیاں ہونیاں نا اٹھا دینار سواریاں دینار تے جس ویلے تک کنٹی دی آواز آ رہی ہے نا اے سمجھو پہ کافلہ آلے رستے بچے مندل پہ پہنچیا نہیں اے ٹان ٹان دی آواز جڑیے اے رستے دیئے مندل پہ نہیں جس لئے مندل پہ کافلہ پہنچی کہ کنٹیاں خاموش ہو جا سن تاجرس فریاد دارد کاروان آسودنیس کنٹیاں نی آواز جدو تک آ رہی ہے سمجھ لے کہ کافلہ آلے رستے وچے مسافر آلے منزل پہ نہیں پہنچے اللہ ہائے ہائے مفتی صاحب ایتھے مائیں اعتراض یاد آ گیا بڑے بڑے اجتی لوگ ہوں دے او ساکھیا ہے کہ بندے میں شیر پڑیا کسی جگہ او ساکھیا جی اے ٹھیک ہے بڑا اچھا تے بڑا اچھا شیر دلیل نہ سمجھایا نہیں قبلہ تے انجی بھی تو ہو سکتا ہے کہ منزل تے پہنچ کے تے جانوار سیرا لاندہ رہوے تے کنٹیاں دی آواز آنی رہوے سمجھ آئی نہیں اس اعتراض کیتا تے پتہ نے میں جواب کے دیتا اسی ویلے میں کہا قبلہ اے حیوان ہے اے انسان نہیں جے فراڈ کرے جی ہاں او ایڈا منطق نہیں پڑے آیا کہ کھلو کے تے سر پہ علاوہ تے تلی وجہ بھئی نہیں او حیوان ہے او تو اڈے جے فراڈا کلو پاک ہے اللہ تعالیٰ سا پاک کیتا ہے اسے جو فراڈ شاٹ کو نہیں سدھی جی اس دی زندگی ہے تھڑے یخ ہو گئے تے مطلب ہے کہ جس ویلے کاروان پہنچ جانا نا تے کنٹیاں چپ ہو جانا تے اے مطلب بھی نہیں کہ جیڑا بندہ زیادہ چپ ہوئے تو سمجھو اے بھی بڑا پہنچیا ہے بندہ ہے چپ ہونے دیاں بھی بہت ساری وجہ ہو گیا بعض بندے جہالت نہیں بتا کیوں چپ ہوں دے انہوں نے آندہ جاندہ ہی کچھ نہیں بولن کی ٹھیک ہے اے بھی اچھی گل ہے سمجھدار ان کام کم از کم اپنی عزت بچا لیں لینا یاد رکھو ان پڑھ آدمی جڑا جاندہ ہوئے کہ میں نہ جاندہ اس گل نو جڑا اے گل جاندہ ہوئے کہ میں اے گلہ نہیں جاندہ اور اقرار کرے کہ میں نہیں جاندہ او اس عالم کو نو لکھ درجے پہ پرے جڑا نہ جاندہ ہوئے کہ کہہ گئے میں جاندہ اس عالم سے وہ جاہل بہتر ہے انپڑھ بہتر ہے جڑا ہے نا یار میں نہ جاننا
हाय हाय हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा एक इरशाद मैनु याद आया। आ फरमाया के अल इज्जो अनिल इदराक इदराकू के किसी चीज दे समझने तू आजी दा दावा कर देना के मैं आज दा मैनू नहीं पता। फरमाया ए तो समझ ए तेरी समझ है कि तू कहना मैनू नहीं है पता जी ये बहुत उच्ची गल है। फरमाया तू समझदार आदमी है ते अगर तैनू समझ नहीं तो तू कहना है कि मैनू समझ है ते तू खुद भी बेवकूफ है ते दूसरे नू बेवकूफ बनाना चाहता है। इस वास्ते हर बंदा तहकीक के मैदान च नहीं जा सकता अल्लाह दे खास ज़ेन पैदा फरमाए। मौत कफर मुश्किल के गर्दत महरम कारे मुहित मौत ते कफ कफ फारसी में कहते हैं छाग को चग नहीं होनी चग मौज होती समुंदर दरिया दिया दो चीजा या मौज ते या चग उत्ते दो चीजा तरदियां ने या मौज आना मैना रखती है इधर गई उधर गई अपना घर जो है मौजा मर गई है इथू बनी थी उथे गुम गई उथू बनी थी इथे गुम गई क्या लोग है उन्हें आखा जनाब के आशकां दा कोई नाम निशान नहीं रहिंदा कोई कबर नहीं ऐसे आशिक भी गुजरे ने इत्थे मां याद कराए मैं एक गल सुनाना खतीब ते मेरे को उच्चे उच्चे तुसी सुन सो लेकिन जड़ियां गल्लां तरीके नाल मैं करना ना गल्लां जिस तरह बंदा सजा के वेड़े कढ़ना ना जिस तरह बरात कढ़ी ना गल ही होनी एवं फर फर सत्तर मील फी घंटे नहीं रफ्तार है बंदा बोल रहा होता क्या फायदा मजा है त्रेनी बारिश हर गल्लां अंदर लैवण देन चस चावे मजा चावे फिर गल अगे टुरे। मैं अर्ज कर रहा कि जिहड़े लोग आंदे निशान कोई नहीं हजूर दा हजूर दे गुलामा दा साहबा किराम दे मजारात मुख्तलिफ जगह ते ए मकाम नहीं। मैं एक गल दसा कि हजूर दे एक गुलाम सन हजरत उम्मे सलमा दे गुलाम उम्महातुल मोमिनीन विच उम्मे सलमा उन्हां दे गुलाम है ते उन्हां दा नां नौमान भी लिखिया ने ते मेहरान भी लिखिया ने मेहरजान मेहरजान दो नाम भी है ते हुजूर ने उन्हां नूं लकब दिता सफीना दा उन्हां ने अर्ज कीती हजरत उम्मे सलमा फरमाया कि मैं तैनू आजाद इस शर्त ते कर दी हां कि तू रसूलुल्लाह दी खिदमत कर। उस आख्या माई साहबा तुसी पावे मां आजाद करो या ना करो मैं जब तक जीना कमले वाले दी गुलामी कर सा और खिदमत कर सा। समझ आई उन्हां दी कबर कोई नहीं मिलती पता नहीं हजरत सफीना किथे दफन है। मैं इस दफा भी हाजिर होया जन्नत बकी विच पुछदा रहा उत्थे 10,000 सहाबा दफन के पता लगे अजिला है सहाबा विचों मुहद्दिसीन विचों उत्थे तो कोई निशान भी नहीं छोड़िया उन्हां लोगां लेकिन बहरहाल ते बड़ी तलाश रहिंदी ने जिस ते इतना करम होवे है जी हुजूर दा इतना करम होवे ते साडा शौक क्यों होंदा है ना कि उन्हां दी कबर जाके वेखीए लेकिन निशान कोई नहीं पता कोई नहीं। उसका मैं मकाम दसा आशिक दा सुभान अल्लाह ए मौजा तो गल हुई मौजा तो गल हुई मैं लासा ते हजरत सफीना
فرمانن کہ ایک دفعہ بہت سارے صحابی حضور نال کسی سفر تے تیار ہے تے آپ بس آ گئی نا چشم نبوت متوجہ ہو گئی جس طرف آ گئی اٹھ گئی دم میں دم آ گیا موج چاہ گیا فرمایا خرج مرتن وما ہو اصحاب ہو اے حضرت سفینہ خود فرمانے کہ حضور ایک واری نکلے سفر تے تے آپ نال صحابی ہے فسقل علیہم متاعہم صحابہ کو پار سامان گم ہویا تے بوجھ چانا انہاں تے دشوار ہو گیا پھر سامان یار سفر لمبا ہے تے سامان بھی اساں کول ہے وچ اساں کہیں سبحان اللہ فقال لی رسول اللہ ابسط کے ساتھ وے حضرت سفینہ فرمانے ماں فرمایا حضور اوے اپنی چادر ڈا سبحان اللہ حضور فرمایا چادر ڈا اوے فبسطتو حضرت سفینہ نے میں ڈا چھوڑی چادر سبحان اللہ فجعل فیہ متاعہم انہ سارے صحابی 15-20-30 جتنے صحابہ ہیں نا سارے اپنا سامان اس میری چادر وچ رکھ چھوڑ سبحان اللہ سبحان اللہ ثم قال لي احمل ما انت الا سفینہ اوے چا تو تے کشتی ہے کشتی بہت چلی ہے نا بہت سارے سواراں نا حضور فرمایا او ذرا منظر دیکھو نا کہ چادر ڈڑی ہے ہے جی سفینہ نے غلام نے چادر ڈا دیتی ہے صحابہ نے سارا سامان سٹ دیتا تے حضور سرکار فرما رہے ہیں احمل چا ما انت الا سفینہ تن تو تو کشتی ہے میں جی ہائے مجھے یہاں رومی کا ایک شعر یاد آ گیا مجھے وہ سنانے دے شعر رومی فرماتے ہیں کہ ماؤ اصحاب چون کشتی اصحاب چون کشتی ہر کے دست اندر سنت یابت فتو سرکار نے فرمایا کہ میری مثال تے میرے صحابہ دی مثال اس طرح ہے جس طرح نوح علیہ السلام دی کشتی ہے جڑا ڈبدا ہے ہاتھ مارے گا تر جائے گا کہ فرمایا کہ احمل ما انت الا سفینت چاوے ابو عبد الرحمن کنیت ہے ابو عبد الرحمن چا پنڈ چا ہے جی تو تو کشتی ہے روایت کرتے ہیں ایک اور صحابی تابعین وچو سفینہ کولو ہاں سفینہ فرمانے کہ قال لو حملت یوم اذن وقر بعیر او بعیرین او خمسه او سته ما ثقل علی فرمانے کملی والے جس لے میں چادر ڈا کے تے سارے صحابہ دا سامان سٹوا کے بنا کے تے گڈ چانے دا حکم دتا تے میں دو اونٹھا دا بوجھ چایا اگر چاواں دا چاوایا پنجا دا چاواں ستاں دا چاوایا تے چا وی نہ آیا مینوں پتہ نہ لگیا حضرات ایک گل میں کرسا عقل مند لوگاں واسطے بڑی اونچی گل ہے تے چبل تے مادر ذات بدھواں واسطے کوئی شے نہیں مادر ذات عقل مندوں کے لیے بہت اونچی بات ہے اور جو جدی کشتی مجہول ہیں
जिनको बात सुनने का सलीका नहीं है, समझ नहीं है, उनके नजदीक कुछ नहीं है, होश करें, अकल करें। आप कमली वाले के गुलाम हैं, मैं भी कमली वाले का गुलाम हूं, हम सब गुलाम हैं। आप सुने इस मेरी बात को, मौलवी आपको बहुत बहुत सुनाएंगे ज्यादा सादा रिवायत। गल होती है, गल बंदा करे तो नाल नचीदा ठा करके देवे, नतीजा दसता जावे। गल होती है खतीबो होता है। मैं गल की थी ना इतने, मैं नतीजा तुहानू दे के जावांगा, अगे कां कां टोड़ांगा। के साबित होया इस रवायत तू के जेड़ा 15-20 सहाबा दा बोझ एक चादर च पवा के ते आखे चा पंजा छेवा उठा दा समान बोझ वजन एक बंदा हुक्म दे के चवा छोड़े, कोई बंदा चुक सकता है? बोलो, पंजा छेया उठा दा वजन कोई चुक सकता है? सरकार ने इशारा फरमाया चुक है। उस आख्या मैं छेवां दा छे उठा दा विचावाया ते अल्लाह दी कसम है मेरे ते कोई बोझ ना होया, मैं इंज खुद चुक लिया। ते के साबित होया कि सहाबा दा बोझ सफीना को चुकवाया ते पता ही नहीं लगा वजन दा। ते कल जिसले मीजान उते उम्मत खलोती हो सी, सोच अकल नाल, जिस वेले सरकार कोल खलोते हो सन ते अगर सफीना नु हुक्म दिता है कि इतने बंदे दा चुक ते उस चुक लिया ते कदे तरकड़ी नहीं किया, कदे पलड़े नु कह दिता मुस्तफा दा इशारा मिल गया, ते तू आप से तेरे गुनाह किधर गए छड़ो। अगर कोई मौलवी क्या सी ते मैं किताब पढ़ के दे सा जी, आ ऐसी गल नहीं, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, असी मेरे अली शाह दे चार लफ्ज़ों दे भी वारिस हाँ, असी सिर्फ पराठियां ते मालां ते माड़ियां दे वारिस नहीं हाँ। हाँ, करम कीता गौसे आजम अपने सिर दे वालियां। समझ आई ना? तो कड़ो केड़ा पीर है इस दौर च, केड़ा पीर है? इल्ला माशाल्लाह कोई होसी, इंशाल्लाह है भी है, लेकिन जेड़ा तुहानू यह लंगर खिलावे, ये रसूल दा लंगर खिलावे, कुरान ते सुन्नत दा लंगर खिलावे, समझ आई? पीरो मैं जेड़ा कुछ देवे लेंदे ते सारे देंदा कोई कोई है, ते कोल कुछ होवे ते बंदा देंदा है, तुहाडे कोल होंदा ते नजराना देंदे उहना पीरां नूं, ते पीर तुहाडे नूं के देंदे, पीर इन्ना वी ना दे सकण कि पीरां कोल फिर है की है, तुहानूं शौक ना दे सकण, तुहाडे च मस्ती पैदा ना कर सकण, ते फिर पीर केड़ा है? रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टकरा तो फिर लहू क्या है। समझ आई? एक गल सुनो, एक कई मेरा खिताब है पीर महल दी है केसट शायद रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये जावे की दुनिया के बाहर मुल्कां ते कोई पसंद करने वाले मैनू ते कोई ना पसंद करने वाले,
कोई पसंद करते हैं कोई ना पसंद करते हैं, कोई ऐसी गल तो नहीं ना। रसूला नु कई पसंद किया तो कई नहीं पसंद किया, सारे मके तो कमली वाले ने नहीं मनिया, तो मैनू कई ना पसंद किया, तो कोई नहीं है सुन्नत अंबिया है, असी उन्होंने गुलाम हाँ, साढ़े नाल भी वही शुरू होएगा जेड़े साढ़े आका नाल होया, ठीक है ना। ते ए कहंदे जनाब जी एवें दादा ते एवें ही अगू डंड पाई मुरीद, मैं नहीं कहंदा ए जितना मजमे है ए ठीक है, गोल्डन शिप वाले भी इत्थे मुरीद ज्यादा है ओ सुन, लेकिन सारे मुरीद नहीं आ लगे। अज मेरा खिताब सुन गए हो ते पता तो अनु लगेगा कि पीर आखदे किस नूं, पीर होना कौन है ते पीर किन्नू होना चाहिए है। समझ आई, ये पीरी सिर्फ गतियां ते बहने का नाम नहीं, समझ आई, वो तो कोई भी बैठ सकता है, दुकानदार भी दिहाड़ी गतियां ते बैठे होंगे, दुकानदार भी गतियां ते बैठे होंगे, पीर भी गतियां ते बैठे होंगे, ते किसी मखसूस जगह पर बैठने का नाम पीरी नहीं है, गद्दी नशीनी नहीं है, गद्दी वो है पीर वो है जहां बैठ गया वो गद्दी बन गया है। समझ आई, अच्छा तो मैं अर्ज कर रहा कि फरमान हजरत सफीना सुनो मकाम आनंद के हजरत सफीना फरमान रकिब तो मर्रतन सफीना तन फिल बहर, सफीना एक दफा किसी समुद्री सफर च गए ते किश्ती ते सवार हुए, हजरत सफीना खुद फरमाने मैं गया समुद्री सफर ते ते सवार होया किश्ती ते, रकिब तो मर्रतन सफीनतन फिल बहरे, हजरत सफीना फरमाने के एक बारी मैं सफीने में बैठा किश्ती में समुद्र में, सफीना सफीने च बैठा है, ए सफीना किश्ती हो ही ते ओ हुजूर दा सफीना होया जिसनु कमली वाले ने सफीना फरमाया, ओ इस सफीने च बैठा, यानी एक सफीना दूसरे सफीने में बैठा, सुभान अल्लाह फरमानन मैं सवार होया, फन का सरत बिना किश्ती त्रुट गई, किश्ती त्रुट गई हजरत सफीना फरमाने, फरकिब तो लौहन मिनहा, एक तख्ती जी निकली उस विचों ते मैं उस उते चढ़ बैठा समुंदर, हजरत सफीना फरमाने किश्ती त्रुट गई ते एक तख्ती उसने फट्टा जा निकलिया ना ते मैं उस उते चढ़ बैठा, पर डुबा ना बच गई, फतरा हानियल बहरो इला गैज़तन मां समुंदर चा के एक टापू ते सटिया, मौजा आई ना पिछे मौजा नहीं खादम होनी ना, ये समुंदर ना कूड़ा करकट कचरा जड़िया ना उबा सटनी है, तुस तक लो ए कराची जाओ आने जी मौजा क्यों आनी, ओ पिछू पहाड़ और सिर चा के नसनिया, जो सारी दुनिया ने गलासा ते गंदगियां दरियावां ने रस्तियों समुंदर आ पहुंचनिया, समुंदर बहुत पानी है पाकीजगी पसंद है, या अल्लाह सारी दुनिया ने गंद मैने जान सटिया ने कैडी गंदी मखलूक है तेरी, फरमाया नहीं ठहर जुल मैं तेरी सफाई ना इंतजार, और समुंदर आ कौन सफा करे, गौर करो समुंदर आखो ना अमरीका जरा समुंदर साफ करे, हर पास लुतर लुतर करना है, जरा साफ करे ना, फरमाया ठहर चलो हवावां हुक्म आना चलो, हवावां चलो मौजा पानी आना तू जरा ठेल,
इस हफ्ते को मौजा बढ़ाओ, मौजों से तीले गंद मंद सारा तेक के साहिल पे सटने बार बार सटने क्या जी ए मौजा कम करनिया ए खातम उन समुंदर दिया ए खातम उन ए चाडू कशन चाडू कशन चाडू मार दिया है जी कदे गंदा पानी ए आ उठदा पानी किथे जांदा है उत्ते के बन दिन बुखारा बारिश बढ़ती है ये समुद्र ही उठ रहा है तो आटे दरियावां चो तो नहीं उठता समुद्र ही चो उठ के आंदे ने बदल सारे बारिश दे कानी पानी तुसी जमा करो ते सुंगो कोई बो आंदी है नहीं आंदी ये अल्लाह दी कमाल है शान है कि सारा गंद समुद्र है ते उत्थू जड़ा पानी आंदा है सारा बॉयल होया है कोई मशीन नहीं लगी है बोतल पीते हो पानी दिया के बिगड़े नैसले फलाने जी ए बड़ा बॉयल होया तो साफ होया पानी पैसे दे के पानी मुफ्त है सफाई के पैसे कितने भरने पैदे मालक नु तको करोड़ों के अरबा मन पानी वसांदा है ते साफ ते मुफ्त है जी गल समझ आई नहीं फरमानन हजरत सफीना फरमानन फतरा हनी अल बहरो इला गैजतन फी हल असद मां टापू विच सटिया से जजीरे विच समुंदर विच के मौजा अगे तकना ते मैं शेर इना सटिया ते अगू वो भी तशरीफ ले आया शेर साहब आसमान से गिरा खजूर में अटका है जी एक मिनट एक गल मुकन तो फिर सुना लग अच्छा एक टापू में सटिया बिज के पानिए मां ते अगू तका ते खुला जंगल ना शेर ये नहीं जड़े पाले माड़ुए ते लिसे भुखा रख रख के उत्ते बिल के हाथ मारने ते फिर कदे उन्होंने मुंह च हाथ तुमने ते कहंदे जनाब असीं बड़ी कमाल कर रहे हैं ओ खुला समुंदर ते खुला शेर जंगली शेर फरमाने हजरत सफीना के अगू शेर आ गया फजानी मेरे ते लिपकिया फकुल तो या अबल हारिस अबल हारिस दुनिया ते शेर दी ओ शेरा अना सफीना तो मौला रसूल अल्लाह है मैं कमली वाले दा गुलाम नौकर सफीना वा मैं कमली वाले दा गुलाम नौकर सफीना वा मेरे ते किथे पै गए सुन फिर जानवर ने कमली वाले दा नाम सुनिया ओ इंसान मैं तनु मुखातब कर रहा ओ शेर जेड़ा नहीं तकदा ए कौन है है किस दा गोश्त है किस दा जिस्म है ओ भुखा होवे ते सब कुछ चट कर जांदा है ओ शेर फिर जंगली शेर जिसे कमली वाले का नाम किता गया शेर के सामने फताता रासहू उस अपनी गर्दन चुका ले फताता रासहू उस अपनी हजरत सफीना फरमानन कि मैं जिसे आखता गया ना तो उसने गर्दन चुका ली गर्दन चुका ली वजह ला यदफाउनी बेजम्बे ही ओ बेकफ़े ही हत्ता वज़ान वज़ानी अलग तरीके अग्गे अग्गे मेरे टोर पिया गर्दन चुका के ते फिर हाथ नाल मैंने ए एंजन कर दाया एंजन पया मेरे पीछे आ तैनू राह दसा थोड़ी देर में चलिया तो मैंने राह पाया शेर ने कह रहा भी हाँ ला, हाँ ला, हाँ ला, हाँ ला, हाँ ला, हाँ ला,
एक फकरा सुना, शेर ने राह पाया ते के समझ आई के कोई शेर ही होवे जेड़ा किसी गुम करदा राह नू राह पावे। एक गिद्दड़ गिद्दड़ राह नहीं पा सकते, शेरां दा काम है राह दसना। समझ आई के शेर मैनू इस तरह कदे सजे हाथ नाल कदे खब्बे हाथ नाल एंड करदा करदा भया मेरे पिछे आ, सिर झुकाया। हजरत सफीना हजूर दे गुलाम पिछे आ रहे, जरा चश्मे तसव्वुर आंख ता बंद कर ते मंजर सोच जरा कि किस तरह जा रहा उसी, क्या मंजर उसी हो। फिर पीछे पीछे जा रहे और जानवर भी अल्लाह दसना चाहे तो दसदा है। एक गल सुनो मेरी, बड़ी नाजुक गल करो लगा मुफ्ती सुन। जानवर भी अल्लाह दसिया ना सिर चुका छोड़िया, ते जेड़ा कमली वाले दे नां ते सिर नहीं चुकाना वो जानवर तू भी गया गुजरिया कि नहीं। उसने अदब कीता दरिंदा होके, ते अगर तू अदब नहीं करता है तू गुस्ताखे रसूल है, ते तेरे को वो जानवर बेहतर है लख दर्जे जेड़े कमली वाले दे नां ते चुक गया। क्यों या फता था राह सहू सिर चुकाया ते अगे टुट पिया, इशारे कर कर के मैनू राह ते पाया ते फिर राह ते पा के इंज नहीं हो गया उधर चला गया उधर चल गया। फरमाया कि फिर क्यों होया, सुम्मा हम हमा तन, सुम्मा हम हमा तन, फिर शेर हौंकिया। ऐसा करता ना शेर हौंकना, इसको हौंकना कहते हैं उर्दू में। मीर अनीस कहता है कि जिसले पासे अलमदार निकलिया ना इस आवाज नाल निकलिया कि जैसे कि शेर हौंक रहा है कछार में। अब्बासे अलमदार निकले ते मीर अनीस लखनवी कहता है कि जैसे कि शेर हौंक रहा हो कछार में। सुम्मा हम हमतन, फिर हौंक मारी हौंकिया। फजनन तो अन्नहु युवद्दिउनी, मैं समझ गया कि मैनू अलविदा सलाम कह रहा है कि कमली वाले दे गुलाम, अच्छा अल्लाह हाफिज तेरा, तू जा मेरा और ला वे तेरा और ला तू जा। फजनन तो अन्नहु युवद्दिउनी, ओ मैनू अलविदा कर रहा है कि जा तशरीफ ले जा, तू कमली वाले दा गुलाम है, सलामती नाल जा, मेरे एरिए च आया। मैं किसी मौलवी नूं नहीं तकिया चीर देवा, चीर फाड़ देवा, खुसूसन चौधरी सती दा मुल्ला आवे ते। मैं चीर फाड़ के खा देवा इन्हां जिहड़े है मोटे मोटे जिस्म जिहड़े। लेकिन सफीना ये तेरा मुंह नहीं, तेरे आका का मुंह है जी। ओए याद रख एक मैं गल तेनू कर रहा कि शेर ने मुंह तकिया कमली वाले दा ते दरिंदा होके छोड़ दिता गुलाम नू, ते तू कमली वाले दा मुंह तके ते फारूक आजम ते सिद्दीक अकबर नू नाल लेके आया तके कमली वाले दा मुंह रख के जबान नू बंद कर।